शाहजहांपुर की कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला वाजिद खेल में शबनम का परिवार रह रहा था। आर्थिक रूप से कमजोर इस परिवार में शबनम के पति की मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी थी। कल रात पंखा खराब हो जाने की वजह से ये लोग आंगन में लेट गए। सुबह बंदरों के झुंड ने जर्जर दीवार को हिला दिया, जिससे दीवार इनके ऊपर गिर गई। इस हादसे में शबनम, बूबी, शोएब, चांदनी, शहबाज की मृत्यु हो गई, जबकि परिवार के 2 अन्य राहिल और साहिल घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया। बंदरों ने दीवार गिराई थी, पक्की दीवार थी। मेरी अम्मी खत्म हो गई, बहन खत्म हो गए, 2 भाई खत्म हो गए, 2 बहनें। अच्छा, मतलब दीवार गिर गई थी। हाँ। तो अब कितने लोग बचे हैं परिवार में? 3 भाई बचे हैं खाली। एक दिल्ली भाई है, 2 महीने। तुम सबसे छोटे हो? काशान खान। साजन, क्या हो गया था भैया? कैसे ये हो गया था? ये पूरा परिवार, इनके घर का पंखा खराब था, ये लोग बाहर सो रहे थे सब, पूरा परिवार। ऊपर बंदरों का झुंड आया, उसने आके दीवार को हिलाया, वो दीवार टूटी पूरी, गिर गई इनके ऊपर, और 5 बंदरों की मौत हो गई है। ये 3 भाई बचे हैं, एक दिल्ली में रहता है बचपन से, और 2 भाई यहाँ रहते हैं। मतलब एक ही परिवार के सब लोग? एक ही परिवार के 5 बंदे हैं। जो एक छोटी सी बच्ची थी चांदनी नाम की, उससे एक बड़ा भाई था, एक उससे बड़ा भाई था, और एक बहन थी उससे बड़ी, रूबी नाम की, एक शबनम नाम था, इनकी अम्मी का जो ख़त्म हुई है। अब कितने लोग परिवार में बचे हैं? अब ये 3 भाई बचे हैं सिर्फ, और एक इनके नाना है। क्या कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आया है, मददगार? नहीं आया। हाँ, सब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, सब अपने काम में लगे हुए हैं। इस घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों एवं समाज सेवी संगठनों ने पहुंचकर परिवार के लोगों को सांत्वना दी। 8 लोगों के इस परिवार में अब केवल 3 लोग जीवित बचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। एक परिवार था जो घर में सो रहा था, बगल वाले परिवार, बगल वाले घर की कुछ ईंटें गिर गईं, जिसकी वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों की डेथ हुई है। 2 बच्चे जीवित हैं, जिसमें से एक को मामूली चोटें आई थी, ठीक हो गया है, यहीं पर है, और एक घर पे ही है, उसको कोई खास चोट नहीं आई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी घटना से उनको बताया गया, अवगत कराया गया, उन्होंने पूरे परिवार को एकमुश्त 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है, क्योंकि परिवार गरीब था, कमजोर था। दैवीय आपदा की घटना नहीं है, लेकिन पूरे परिवार के लिए एकमुश्त आर्थिक सहायता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4 लाख रुपए परिवार के लिए प्रदान किया। वहीं पर नमकीन के मालिक बिन अग्रवाल ने मृतक के परिवार को 21,000 रुपए आर्थिक मदद दी। ये बहुत ही दुख बड़ी घटना है, ये दुख उसके परिवार को इतना बड़ा आया उसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सोच के ही आत्मा दहल जाती है। ये बहुत गरीब परिवार है, इस दुख की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। इस दुख की घड़ी में ये कहना चाहता हूँ कि पूरे शहरवासियों को, इनके मोहल्ले वासियों को मदद यकीनी करनी चाहिए। आज 5 लोगों की जान गई है यहाँ पर, एक दीवार की गिरने से, जिसे बंदरों ने हिला दिया था। 2 छोटे बच्चे बचे हैं, इतने भी समाज सेवी हैं, सरकार को सबको व्यवस्था करनी, सरकार को उनके रहने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, इन बच्चों की शिक्षा के लिए पालन पोषण की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। इसी क्रम में मैंने आज अपनी तरफ से बहुत छोटी सी 1,000 रुपये की भेंट इन्हें की है, जिससे कि तुरंत की अपनी व्यवस्था को चालू कर सके। आगे मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इन पर ध्यान दें और इनकी पूरी मदद करें। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।